आपको लगता होगा कि यह कैसे हो सकता है, त्योहार है तो इंसान ही मनाते हैं, लाश कैसे त्योहार मना सकते हैं? लेकिन यह सच है, इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर लाश भी त्योहार मनाती है। मरने के बाद भी उनको त्योहार मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। सामान्यतः इंसान की मृत्यु होने के पश्चात उसके शव का रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन एक समुदाय इस दुनिया में ऐसा भी है जो अंतिम संस्कार की क्रिया बड़ी ही विचित्र तरीके से करते हैं। यह अनोखी अंतिम संस्कार की क्रिया पापुआ न्यू गिनी के अंगा जनजाति के लोग अपनाते हैं, जो कि पहले लाश को हल्का सा जलाते हैं और फिर अधजली लाश को ममी बनाकर पहाड़ों पर हमेशा के लिए सुरक्षित रख देते हैं। पापुआ न्यू गिनी के मोरोबो में अंगा जनजाति अपनी अनोखी ममीकरण तकनीक के लिए चर्चित है। यहाँ सबको सुरक्षित रखने के लिए पहले उन्हें सुलगाया जाता है, फिर उन्हें मकबरा या कब्रों में दफनाने की जगह पहाड़ियों पर रख दिया जाता है, ताकि वे पहाड़ियों पर से गांव को देखते रहे और गांव को संभालते रहे। शव लाल रंग में रंगे होते हैं। पहाड़ियों पर बांस के सहारे रखी ये लाशें देखने में बड़ी ही डरावनी लगती है, लेकिन अंगा जनजाति के लोगों के लिए यह मृतकों को सम्मान देने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। शवों के संलेपन का काम बड़ी ही सावधानी से किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा करवाया जाता है। सबसे पहले घुटने, कंधे और पैरों को सही आकार देने के लिए पूरी चर्बी हटाई जाती है, फिर बांस के ढांचे में उन्हें रखा जाता है। इस दौरान शरीर से निकले पदार्थों को मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों के बालों और त्वचा पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे मृतक की ताकत जीवित व्यक्ति में आ जाती है। इसके बाद अगले चरण में मांस की सड़न को रोकने के लिए शव से आंखें, मुंह और गुर्दे का हिस्सा निकाल दिया जाता है। जीभ, हथेली से लेकर तमाम ऐसे हिस्से को निकाल दिया जाता है जिनसे सड़न पैदा होने का डर हो। इसके बाद माना जाता है कि मम्मी को सदियों तक संरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद शव के बाकी बचे ढांचे को आग में सुलगाया जाता है। आग में सुलगाने के बाद मम्मी पर लाल रंग का लेप लगाया जाता है, जिसमें डाला गया प्राकृतिक कोकुन शव का सदियों तक संरक्षण करता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जाकर मम्मी तैयार होती है। किसी खास मौके या जश्न के वक्त अंगा आदिवासी अपने परिजनों की मम्मी को पहाड़ियों पर से उतारते भी है, ताकि उन्हें जश्न का हिस्सा बनाया जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी ही अजीब और गरीब दुनिया की घटनाएं आपके सामने आती रहे और इस दुनिया से आप वाकिफ रहे।